और आजकल सोशल मीडिया का यूजेज तो सुभान अल्लाह किसी को भी पता नहीं है कि इसका यूजेज प्रॉपरली है क्या। पीसीबी में आपको पता है क्या खटपट चढ़ती रहती है, इज दैट अ फैक्टर? मतलब ये तो सर्कस था, जो इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप था सर्कस से कम नहीं था। कैन अ मैन बी बिगर देन द सिस्टम? या इमरान खान थे ना, ही वाज बिगर देन द सिस्टम। जैसे अब लोग बाबर आजम की बात करते हैं, I think he is one of the most amazing people I have ever come across in this era. वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते। हमने तो पूरी जिंदगी यही देखा है, शेन वॉर्न तंग कर रहा है, ग्लेन मैग्राथ तंग कर रहा है, ब्रेटली हम चुप। एक और बंदा भी था जो तंग करता था बैट्समैन, जावेद मियांदाद। If you were the chairman of the PCB, who would you have appointed as कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? मैं जहाँ पे देख रहा हूँ मोहम्मद रिजवान, मेरा काम यहाँ पे आता है उससे ट्रेनिंग देना, उससे मेंटोरिंग देना, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, और सिर्फ उसकी नहीं पूरी टीम की। वेलकम टू हाउ डज इट वर्क, दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय टेक्नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। आज हमारे मेहमान हैज़ बिन ऑन द शो बिफोर, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और आज हमसे स्पोर्ट्स की बातें करेंगे। डॉक्टर खुरम, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच शान। अब एक चीज़ करेक्शन, साइकाइट्रिस्ट ये एक बहुत बड़ी जंग होती है हमारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान। जंग नहीं शुरू करना चाह रहा था, साइकाइट्रिस्ट। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है? एंड अभी हम ऑफ एयर भी बहुत सारे डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे थे, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर थिंग। तो मेरी जॉब या लोगों की नेचुरल जॉब, वैसे आई गेस ये पॉडकास्ट आई डोंट कंसिडर दिस टू बी माय जॉब, लेकिन इसमें थोड़ा सा हेट मिलती है आपको। लेकिन स्पोर्ट्स में अभी एक बड़ी मशहूर नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है डेविड बेकम के बारे में। वो एक एपिसोड होता है जिसमें वो दिखाते हैं व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर अर्जेंटीना से, जब वन गॉट द रेड कार्ड। और अभी हमारी टीम के साथ कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली हालात हो रहे हैं इंडिया में। रोहित शर्मा एंड केएल राहुल एंड बहुत सारे लोग स्काई को बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं, सूर्यकुमार यादव को। हमारी टीम में से ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को गालियां पड़ रही हैं। इसकी एक मेंटल साइड तो कोई डिस्कस करता ही नहीं ना। हम कहते हैं वो यार इतने पैसे कमाते हैं, इतनी मशहूरी मिलती है, तो दे शुड लिव विद इट। लेकिन मतलब वो जो नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री थी, बिहाइंड द सीन्स देखना, यू नो, उसकी जला रहे हैं, उसकी फैमिली के पास जा रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। Absolutely. चेतन शर्मा की बड़ी मशहूर कहानी है, जावेद मियांदाद से जिसने छक्का खाया था, कि वो इंडिया नहीं रह पाया था उसके बाद। कैन यू वॉक मी थ्रू लिटिल बिट ऑफ द ट्रोमैटिक इफेक्ट्स दिस हैज़ ऑन पीपल, एंड मतलब व्हाई हैव वी इवॉल्व्ड इनटू सो मेनी थिंग्स? हम हर किस्म की राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन को गाली देना, या यू नो, नॉट जस्ट ऑन ट्विटर, इवन इन द क्राउड, इन द स्टेडियम्स। आपने देखा होगा फाइनल में इंडिया में दे वर बूइंग द एम्पायर्स एंड गाली। दिस इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द गेम। सही सही। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी उतना ज़्यादा उसको गाली देने पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आजकल तो बैठे ही ट्रॉल्स इसीलिए हैं कि वो ट्रॉलिंग करने के लिए, एंड ट्रॉलिंग द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द मेंटल हेल्थ इट इज़ एनॉर्मस, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपने डेविड बेकम की बात की, डेविड बेकम से मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड याद आया, मैनचेस्टर यूनाइटेड से मुझे सर एलेक्स फर्गसन याद आए, कि जब तक वो रेन में थे उन्होंने किस तरीके से एक क्लब को मैनेज किया हुआ था, जो कि अब इट्स इन पीसेस, ठीक है? तो कोई ना कोई बात थी उस चीज़ के बारे में। और देयर सर्टेन पर्सनालिटीज़ हु अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ कंपोनेंट्स मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। और स्पोर्ट्स में इसका अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान काम है। मतलब हमारे पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर्स, ये दे आर द ईजी टारगेट्स, क्योंकि वो ऑब्वियस हैं, वो सामने हैं, उनके ऊपर वो उनका क्रिटिक आसान है। हम समझते हैं कि हम उनके ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हम जिस तरीके से भी चाहें हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मीन्स। और आजकल सोशल मीडिया का यूजेज तो सुभान अल्लाह किसी को भी पता नहीं है कि इसका यूजेज प्रॉपरली है क्या। हमें कैसे जंग के मैदान में उतार दिया गया वेपन्स देके, और ये नहीं बताया कि हमने करना क्या है। एंड दिस इज़ द इफेक्ट, द इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया, वेदर डिलिबरेटली ये कुछ जो थॉट प्रोसेसेस हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कहते हैं ये डिलिबरेट है कि ये अनकॉन्शियस है। ये हमें मतलब देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन के सोशल मीडिया को इस तरह क्यों इवॉल्व होने दिया गया। और मेंटेलिटी जो होती है इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए, प्रेशर के साथ डील करने के लिए, ये सिखाई जा सकती हैं। यू आर जस्ट बोर्न विद इट। मतलब कोहली है, स्टोक्स है, ये क्रिकेट की अगर हम मिसाल ले रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है मिसाल, देयर जिस क्लच जिसे कहते हैं, बिल्कुल ये सिखाई जा सकती है चीज़, ये साइकोलॉजिकली इसका क्या देखें। ये तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा डिबेट शुरू कर दिया, वो ये है नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, ये टैलेंट है और ये ग्रिट है। एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम ही ग्रिट है, और उसके बारे में है कि इज़ इट द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स दैट यू हैव, जो टैलेंट आपके पास होता है, या आपकी जो ग्रिट होती है, रेजिलियंस, आपकी परसिवेरेंस टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल। और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कितना बड़ा काम ये ग्रिट, परसिवेरेंस, रेजिलियंस करती है किसी बंदे को उठाने के लिए, एक मकाम तक पहुंचाने के लिए। मतलब आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल, और आप जो ऑडियंस है वो भी सोचें, और वो बेसिकली गूगल करके देखें, यूट्यूब करके देखें। विराट कोहली इन 2011, उसका पर्सोना, उसकी पर्सनालिटी, हाउ डिड ही कम अक्रॉस, उसकी शक्ल, उसका डिमीनर, उसका पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, एंड द विराट कोहली ऑफ टुडे, यू विल फील दैट यू आर लुकिंग एट टू डिफरेंट पीपल। ही एट्रीब्यूट्स इट टू हिज बैटर हाफ, लेकिन बिफोर द बैटर हाफ देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड। मतलब वो उस वक्त आया जब MS था। MS इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। बिल्कुल, I've never seen someone better captain than MS Dhoni. और मतलब सिर्फ कैप्टन नहीं, उसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से एंटिसिपेट करता था, किस तरीके से वो क्रिकेट में आया जबकि उसको क्रिकेट पसंद भी नहीं था। ही वॉज अ फुटबॉलर, ही वॉज अ गोल कीपर, और फिर उसने अपने स्किल्स कैसे ट्रांसलेट किए फ्रॉम अ गोल कीपर टू विकेट कीपर, दैट इज़ अमेजिंग। और फिर उसने उस वक्त एक ऐसे हब को चैलेंज किया जहाँ पर तेंदुलकर था, गंगुली था, राहुल द्राविड था, लक्ष्मण था, युवराज था, जहीर खान था। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, और उसने ये कहा कि नहीं, हमें बूढ़े प्लेयर्स नहीं चाहिए क्योंकि फील्डिंग का इम्पैक्ट होता है। फील्डर जो है वो 20 से 30 रन बचा सकता है किसी भी गेम में, मोर देन अ बैटर और बैट्समैन। बैट्समैन कभी परफॉर्म करता है नहीं करता, बॉलर कभी परफॉर्म करता है नहीं करता। तो ये उसकी मेंटल रेजिलियंस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मेंटोरिंग जहाँ से भी हुई है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेंटोर। मेंटोर इज समबडी, इट्स नॉट अ कोच। कोच का काम ये है कि आपके टैलेंट को चैनलाइज करे और आपकी आउटपुट को, परफॉर्मेंस को इन्हांस करे। मेंटोर का काम ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करे, थिंग्स दैट हैव हैपन इन देयर लाइफ टाइम्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और उस चीज़ को शेयर करके दूसरे बंदे से उसके एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करवाए, और फिर एक ऐसा ग्राउंड्स पे लाए जहाँ के वो उस एक्सपीरियंसेस से सीखे। तो अगर आप, इफ़ यू लुक अराउंड, हम तो माशाल्लाह एज अ नेशन हम इतने इनसिक्योर हैं, हम डरते हैं शेयरिंग करने से। वो हमारे रिलीजन में है कि जितना इल्म आपका ज़्यादा होगा, वसी होगा, जितना आप शेयर करेंगे। यहाँ पे कौन करता है, अपना स्किल सेट कौन से शेयर करता है, क्योंकि आपको डर होता है कि दूसरा बंदा जो स्किल सेट को उठाएगा वो आपसे बेहतर बन जाएगा। अगर उसमें टैलेंट है और परसिवेरेंस है तो बनेगा, लेकिन अगर उस पर आपने खुद 20 साल काम किया उस स्किल सेट पे, वो 1 घंटे के लेक्चर से या 1 घंटे की बात करने से किसी के साथ वो स्किल सेट ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो कंटेक्चुअलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है टू दैट पर्सन। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि देयर इज सो मेनी कंपोनेंट्स दैट गो इनटू मेकिंग, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट से विराट कोहली, राइट। मतलब इसमें फिटनेस का कंपोनेंट है, इसमें एक्सपीरियंस का कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारी लाइफ स्किल्स का कंपोनेंट है, फिर इसमें इसका द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड, बोलना क्या है, किस टाइम पे क्या कहना है, क्या कपड़े क्या पहनने हैं, दाढ़ी किस तरह रखनी है, टू फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली पावर हिटिंग कैसी करनी है, द टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट। एब्सोल्युटली। आपने हमारी जो टीम है उसकी ट्रांजिशन हमने देखी है, एंड मैं फ्रॉम अपनी चाइल्डहुड से लेकर अगर अभी तक जाऊँ तो मुझे लगता है ऐसे जैसे हमारे 92 में मैं 1 साल का था तो हाईलाइट्स ही देखी हैं, लाइव नहीं देखा था, लेकिन एज वी कंटिन्यू टू गो हमारी अग्रेसिव बिग पर्सनैलिटीज़ से हम थोड़े से ओवर द ईयर्स टिमिड हो गए होंगे शायद, एज अ क्रिकेट फैन मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं तो नहीं मैदान में खड़ा हुआ, मुझे क्या पता क्या हो रहा होता है, लेकिन एज अ फैन अगर मैं बात करूँ तो वो दिलेरी या जो चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, Why do you think that is? Is it been passed down from? Are we afraid to fail? What are there psychological reasons behind this? PCB में आपको पता है क्या खटपट चढ़ती रहती है? Is that a factor? मतलब ये तो सर्कस था, जो इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप था सर्कस से कम नहीं था. मतलब मुझे अफसोस हो रहा था उस टीम के ऊपर जो वहाँ पे बैठी हुई थी. The things that they had to face off the ground and on the ground. मतलब ये नहीं था कि उनको इतना वेलकम किया गया जितना बताया जाता है. उनको जो पहला मैच था उनमें सही ट्रॉलिंग हुई है उनकी और ज़बरदस्त किस्म का उनकी बुलिंग हुई है. मतलब हर लिहाज से एज अ नेशन, एज अ पर्सन हु इज़ अ मुस्लिम, एंड ऑफ द ग्राउंड जहाँ आपके अपना जो बोर्ड है वो आपके पीछे दे आर daggers drawn towards you, जिसका मुझे कोई तुक समझ नहीं आया. किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बल्कि हर्षा भोगले थे जिन्होंने कहा था कि इट हैज़ बिकम अ सर्कस, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आज के जो आपके चेयरमैन हैं वो जो ज़काशरफ रहेंगे, या आपके जो हैं जो इससे पहले थे. उन्होंने कहा था कि लगता है कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि मंडे से ट्यूसडे एक बंद, वेडनेसडे एक बंदा होगा, थर्सडे से सैटरडे एक बंदा होगा, और संडे के ऊपर फिर एक डिबेट चल रहा होता है कि हो गया. तो जहां इस किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलें तो आपका उस चीज़ का आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा. अब सिस्टमेटिक तरीके से लें, इमरान खान स्विंग बॉलिंग, इमरान खान वाज एन अमेजिंग मेंटॉर. इमरान खान ने जो स्किल सेट बॉलर्स को दिया, वसीम अकरम, वकार यूनस, उसके बाद वहाँ से ट्रांसलेट हुआ शोएब अख्तर के, और वहाँ पे जो बॉलर्स थे आकिब जावेद, मतलब सब ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा. उनकी एथिक्स सीखी, उनकी लीडरशिप क्वालिटी सीखी. वो ब्रैश थे बट एट द सेम टाइम ही वाज केयरफुल. मतलब इंजमामुल हक का एक इंटरव्यू था कि वो एक मैच में गए, एक चौका मारा, उसके बाद आउट हो गए, तो उनकी सीट इमरान खान के साथ आई एंड ही वाज वरिड कि अभी जाऊंगा तो इमरान खान गालियाँ देंगे. तो उन्होंने कहा यार इंजमाम, तूने जो वो शॉट खेली थी ना, कवर ड्राइव क्लास की शॉट थी. मतलब वो कहते हैं कि मेरा 4 शेर खून ज़्यादा हो गया वो सुनने के बाद कि मतलब इट वॉज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और एंड ही गेव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई परफॉर्म वेल. इमरान खान से पहले सरफराज नवाज थे, आपके पास लोग थे जो मेंटोर्स थे, पीपल लाइक जावेद मियांदाद, इमरान खान. उसके बाद आहिस्ता 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 आपकी तनज़ली होना शुरू हुई. जब आपने बैटन पास नहीं किया दूसरे बंदे को, जब आपने कैप्टनसी का बेड़ा उठाया, तो आपके पास वो लोग नहीं थे जो आपको मेंटोर कर सकते, या वो लोग उस काबिल नहीं थे जो कि इतने नेगेटिव ग्राउंडेड. लाइक मेंटोर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में एक बैलेंस हो. मतलब हम जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ, हम तो नेगेटिव को नेगेटिव कहते ही नहीं, हम कहते हैं पॉजिटिव्स एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो हम इस तरीके से एक शिट सैंडविच प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा, बुरा, अच्छा, और वो आपको हमने दे दिया, आप वो खाएंगे क्योंकि आपकी इतनी तारीफ हो चुकी है, तो यू विल वर्क टूवर्ड्स getting everything better. So shit sandwich will turn into something very magnificent. ठीक है. अच्छा, can you profile people in a way कि मैं अगर आपको इसका मिसाल दूँ, जब MS धोनी कैप्टन बना था ना, मुझे याद है early 2000s थी, 2005-6 था शायद. Nobody really thought कि MS धोनी, मतलब honestly मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं गंगुली का बहुत बड़ा फ़ैन था, और गंगुली की कैप्टनसी was very different, very in your face, वो शर्ट उतार के, you know, famous चीज़ें करता था. And I loved that. I loved Ganguly. Honestly, मैं मतलब as a Pakistani भी कहता था. वो जब इधर भी टूर करने आए थे, fortunate enough to meet the team, सारे मैचेस पे गए, इधर पिंडी में भी हुए थे. And Ganguly was a what I thought a captain was like, right? Exactly. और जब धोनी आया तो मैंने कहा यार पता नहीं, थोड़ा चुप सा भी है, थोड़ी सी मुहावरों में बातें करता है, डायरेक्ट बोलता नहीं है, टू द पॉइंट नहीं कहता चीज़ें. प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है किसी चीज़ की, ऑफ लीडरशिप, या इज लीडरशिप जस्ट एवरीबडी इज डिफरेंट इन देयर ओन वे. देखिए अगेन इट्स नेचर नर्चर, ये तो लेट्स से के होगा ना हर डिबेट में, लेकिन ये होगा कि इट इज़ अ ट्रांसफरेबल स्किल, इट कैन बी लर्नड, लेकिन आपके पीछे एक फाउंडेशन होना चाहिए. मतलब उस फाउंडेशन के बगैर आपके पास टेम्पलेट नहीं है और आपने एक बिल्ड करना चीज़ कर दी, दैट विल कोलैप्स. फाउंडेशन नहीं है, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी तो बिल्डिंग विल कोलैप्स. आपको लगता है कि अगर एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है तो फाउंडेशन ना भी हो तो चल सकता है. मिसाल के तौर पे एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि आई थिंक मोहम्मद आमिर ने बोला था कि बाबर आजम के पीछे कुछ नहीं है ना, PCB सर्कस, ये वो, हम सब के पीछे भी सर्कस था. सरफराज जीता चैम्पियंस ट्रॉफी, इमरान जीता वर्ल्ड कप, यूनिस खान जीता वर्ल्ड कप. कैन ए मैन बी बिगर देन द सिस्टम? या इमरान खान थे ना, ही वाज बिगर देन द सिस्टम बिकॉज ही बिलीव्ड इन इट. और दूसरा ये कि वो काम करते थे टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. मतलब उनके लिए मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट था, उनके लिए उनके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने अचीव करने थे. उन गोल्स के बगैर आगे जाया नहीं जा सकता था. अगर 92 वर्ल्ड कप ना होता तो शौकत खानम इस तरीके से ना उठता जितना उन्होंने सोचा था. एंड दैट वाज हिज विजन एंड दैट वाज एन अमेजिंग विजन दैट प्रॉफिटेड हिम एंड दैट प्रॉफिटेड द नेशन एट द सेम टाइम. तो ऐसे लार्जर दैन कैरेक्टर हो सकते हैं. लेकिन जैसे अब लोग बाबर आजम की बात करते हैं, I think he is one of the most amazing people I have ever come across in this era. वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते, वो किसी के खिलाफ गलत ट्वीट नहीं करते. मेरा सवाल आपसे अगला यही होना था कि देखें, मैंने जो देखा है ना, कॉमराडरी है पहली दफ़ा टीम में, ना लड़ाइयाँ ना चल थी. अब मैं नहीं कह सकता कॉमराडरी है, कुछ टू सम एक्सटेंट थी. वो बेशक अपने दोस्त खिलाता था, आप जो भी आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं थी सही ना. बिल्कुल. अभी एक साल पहले वो वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया में हम किसी तरीके से बेन स्टोक्स को उधर आउट कर देते और जीत जाते. बिल्कुल. उससे साल पहले आप जाएं और दुबई में हसन अली वो कैच पकड़ लेता और हम ऑस्ट्रेलिया को निकाल के वर्ल्ड कप जीत जाते. अब हम 2 वर्ल्ड कप इन होते हैं, 50 ओवर्स में शायद हम वैसी परफॉर्म ना करते. आई थिंक 50 ओवर्स का तो क्वालिटी का मसला है ना, वो तो मैं एक अलग स्टोरी. बिल्कुल. साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप वो 2 चीज़ें कर लेते. बिल्कुल. तो आज वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बाबर आजम के बारे में बुरी लगती हैं, अब आपको अच्छी, वो हाइंडसाइट में आपको कितनी अच्छी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. लेकिन उसमें देखें, उसमें उन 2 वर्ल्ड कप में मेंटर कौन था आपका? मैथ्यू हेडन. मैथ्यू हेडन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. वो कनेक्ट करता था उस लेवल पे जिसमें हमारे जो लड़के हैं या प्लेयर्स हैं वो कनेक्ट होना चाहते हैं. मतलब ये नहीं होता, हमारी टीम में एक है कि रिलीजन का एक इम्पैक्ट है, चाहे आप उसे मानना चाहें या ना मानना चाहें. लेकिन ये आपको लगता है गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं है. मतलब देखें, उस इसके बारे में मैंने बात की. मैं आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन माई सेल्फ, लेकिन आई बिलीव इन फेथ, आई बिलीव इन वो सब ठीक है. आई बिलीव इन द स्पिरिचुअलिटी. मतलब देखें, रिलीजन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. फनेटिक भी हो सकता है, मॉडरेटर भी हो सकता है, और स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है. रिलीजन है क्या? बेसिकली रिलीजन is basically the main pillars of humanity. आप कोई भी religion उठाएं, उसका basics उठाएं, it's the same. और religion पे specifically ऐसे में मेरी बात ये है ना कि you should allow for, और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि यार आपकी जो personal opinions है ना और मेरे, वो align नहीं होंगे तो हम cricket नहीं अच्छी खेलेंगे. और I can show you fantastic examples, even the India team of 2011 या आपकी अभी England की successful teams जिनमें They're not friends. बड़ी मशहूर केविन पीटरसन, तो आपको पता है एक एब्सोल्यूट फायर क्रैकर था और वो बड़े ओपनली ये बात करता था कि नहीं है दोस्ती तो, लेकिन जीतते हैं ना, जीतते हैं. डू वांट रिजल्ट्स? वसीम वकार हेटेड ईच अदर, ये तो एक फैक्ट. मतलब दिल टेल यू. राज सिंह, एमएस धोनी, उसने अभी पॉडकास्ट में कहा. बिल्कुल. वो बियर बाइसेप्स फैंटास्टिक पॉडकास्ट. और दैट्स युवराज, राइट? युवराज विल से कि यार देखो नहीं था, नहीं था तो डेट्स ओके भाई, आपने एंड में मैच जीत रहे हैं ना. हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, देखिए मैं ही नहीं कह रहा, देखिए देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट लेकिन शुड अ क्रिकेटर बी जज्ड ऑन हिज नमाजी परफॉर्मेंस ऑन हिज क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस? नॉट एट ऑल. हर एक चीज़ का एक कंपोनेंट होता है और वो जो एक फेसेट होता है वो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में. अगर किसी को रिलीजन की वजह से ग्रोथ मिलता है तो व्हाई नॉट? ठीक है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट. अगर वो प्लेयर है तो आपको हर एक चीज़ को देखना होगा, आपको उसके वर्क एथिक्स देखने होंगे, आपको उसका रेजिलियंस देखना होगा. और यहाँ पे मैं बात अभी रेजिलियंस की तरफ ला रहा हूँ आपके लिए कि अगर इफ़ यू लुक एट बाबर आजम की जो जर्नी थी, इट्स फुल ऑफ रेजिलियंस. मतलब उनकी जो कहानी है, मतलब इट्स फुल ऑफ ग्रिट एंड रेजिलियंस, एंड दैट्स व्हाई आई सी हिम एज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन. यस, ही माइट नॉट बी द मोस्ट कैरिज्मेटिक leaders, लेकिन the certain skills he can learn from others. लेकिन उसके लिए एक अच्छा mentor होना आपकी टीम में ज़रूरी है. उसके लिए आपकी टीम में एक psychologist का होना ज़रूरी है, एक psychiatrist का होना ज़रूरी है. आपको पता है कि one of the things that we are working on in England is sports and psychiatry. ये एक specific field के तौर पे इवॉल्व हो रही है. ऑफ कोर्स, ये डिफरेंट दुनिया है ना, बिकॉज देयर एक्सपीरियंसेस जो उनके मसले मसाइल हैं वो मेरे या आपसे तो सिमिलर नहीं होंगे ना. उनके एक बहुत डिफरेंट लेवल पे ट्रोलिंग हो रही है या मसले हैं, डिफरेंट लेवल पे प्रेशर है. बिल्कुल. अच्छा, अब आपने एक बात की तो it actually follows very nicely into my next question जो मैं actually सोच रहा था इसके बारे में. सब ने बात की resilience की और pressure की, right? Pressure feel होता है. अगर आप देखें ना successful teams, let's say पाकिस्तान की 92 वाली टीम, what is one of the things, उस ज़माने में क्रिकेट पाकिस्तान में बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था, इतनी क्रेज़ नहीं थी. 92 के बाद तो मज़ीद और क्रेज़, फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया, बहुत सारी और चीज़ें हैं. आप देखें उससे पहले जब इंडिया भी जब जीती थी, ये वाला नहीं लेकिन उससे पहले वाला जो 83 का वर्ल्ड कप था आई थिंक, और फिर आप देखें वेस्ट इंडीज़ जीती थी, और फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली जीतती है, राइट? इज़ देयर एन आर्ग्यूमेंट एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बात यह है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मैथ्यू हेडन का, उसने सेंचुरी बनाई साउथ अफ्रीका में, बारिश हुई थोड़ी सी, टेस्ट मैच हो रहा था, वो सर्फिंग गया, सर्फिंग में उसको बंदा मिला, बंदा कहता है आर्ट यू मैथ्यू हेडन, डिडंट यू मेक ए सेंचुरी टुडे? तो वो अपनी सर्फ बोर्ड पर हंस रहा होता है, लिव इन द लाइफ, राइट? हंस रहा है ये, वो रिलैक्सेशन, राइट? खान साहब की बड़ी मशहूर कहानियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, एंजॉय, रिलैक्सेशन, राइट? इंडिया की हमने ग्रूमिंग देखी है, मेंटेलिटी देखी है. आप ये नहीं मुझे कह सकते कि कोहली की मेंटेलिटी नहीं है ना, शर्मा की मेंटेलिटी नहीं है. एनी वन ऑफ दोज प्लेयर्स इज वर्ल्ड क्लास इन एवरी वे. डू दे लूज बिकॉज द प्रेशर इन पाकिस्तान एंड इंडिया? इंग्लैंड का अगर आपको मैं मिसाल दूं फुटबॉल में, मुझे कभी कभी लगता है वो मरते ही इसलिए क्योंकि वो जब फाइनल हर्डल पे आते हैं ना, जिस तरह यूरोज में आए थे या कहीं भी आते हैं, तो एक नेशन की वेट आपके कंधों पे मौजूद है. Whereas Australia में it's the fifth most famous sport, क्रिकेट की अगर बात करें, और हार गए तो हार गए. अब वो केयर फ्री हो जाते हो ना, जिस तरह हम 92 के फाइनल में गए थे. जब तक आप वो एक केयर फ्री इन्वायरमेंट में हो ना, जहाँ आपके मुल्क की पूरी वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पे नहीं है. इंग्लैंड का मिसाल फुटबॉल में ले लें, पाकिस्तान या इंडिया का मिसाल ले लें क्रिकेट में, वी लूज फाइनल्स पाकिस्तान एंड इंडिया बिकॉज देर इज़ अ वेट ऑफ expectation that is so much higher than any other country. Matlab New Zealand, Australia, South Africa, they're professional cricketers, but that's it. That's not a it's not end of the world stuff. Okay. David Beckham and that team may be underachieved because look at the pressure behind them. ये फैक्टर है, ये फैक्टर बिल्कुल है, बिल्कुल है. और यहाँ पे यही बात होती है कि आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस किस्म का मिल रहा है. यहाँ पे आपकी बात होती है कि आपके मेंटर्स कौन हैं, ये बात होती है कि आपके रेजिलियंस को कितना बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है. रेजिलियंस कैन बी बिल्डअप, वो ये होता है कि आप आएँ, जो आपके साथ हुआ है आप उस चीज़ के बारे में बात करें, एंड देन यू मेंटलाइज दैट थिंग एंड यू ट्राई टू चेंज इट ऑन अ डे टू डे बेसिस. और कोई चेक एंड बैलेंस हो जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आपके पास बैठा, और ये नहीं कि कोई भी जी मेंटल हेल्थ पड़ गया आ गया तो वो साइकोलॉजिस्ट बन गया जी, मतलब ये ऐसा नहीं होता. मतलब जहाँ पे आपके पास इस वक्त जो सोशल मीडिया के साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो खुदा के लिए मतलब मत चाहिए. एक क्वालिटी बंदा जिसने स्पोर्टिंग और मेंटल हेल्थ में कुछ किया हुआ हो, कोई काम किया हो, जिसको पता हो कि उनके प्रेशर्स शुरू होते हैं नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे जॉइन, बट द इक्विलिब्रियम स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम when they start thinking about the sport, क्योंकि वो अपने साथ एक बैगेज लाते हैं, ठीक है? उनकी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, हर एक का बॉडी मेक डिफरेंट होता है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसको मैनेज करना होता है. हर एक का डाइट जो है वो होता है, KPK के यहाँ का उठाएं, यहाँ पे डाइट कुछ और होगी, पंजाबी की कुछ और होगी, सिंधी की कुछ होगी, बलोची की कुछ और होगी. डेफिनेटली आपको वो उस चीज़ को काउंटर करना है. फिर आपके मसले जो सोशल, हमारे जो प्लेयर्स उठते हैं सोशल कंस्ट्रेंट्स उनके ऊपर कितने होते हैं. जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आपने अगर कहानी पढ़ी है तो वो कहाँ से उठा था और कहाँ पे पहुँच गया, और किस तरीके से वो अभी तक उस मैकडोनल्ड्स वाली बर्गर वाली को ढूंढ रहा है जो इसे एक फ्री बर्गर देती थी एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो हेल्प करता था ट्रेनिंग में उसके साथ. तो इस किस्म की चीज़ें सोशल कंस्ट्रेंट्स के, किस किस्म की जर्नीज़ ट्रैवल करके आए हैं और उन जर्नीज़ को ट्रांसलेट किस तरह किया जाता है. आई एम ऑफ द बिलीव कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी ट्रांसलेटेड. आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी अब आपका रिसोर्स है. आपको पास चैलेंज है कि उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट करो, एंड दैट्स वेयर द मेंटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट प्ले अ रोल. और हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इस पर मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाह रहा था कि इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट क्रिकेट, राइट? मैं अगर आपको मिसाल दूँ, कितने फुटबॉलर्स हैं, कितने क्रिकेटर्स हैं. हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे, यू नो, थ्रिस्कॉटिक की, फ्लिंटॉफ की, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर फुटबॉलर्स जो अपनी करियर में तो पीक पे थे. ऐसा नहीं था कि वो बुरा खेल रहे थे, लेकिन उनका दिल डिप्रेशन था, उनको दिल नहीं था खेलने का। मतलब हम ऐसे में ना उनको देखते रोबोट्स की तरह ना, आउटपुट मशीन यार। जी बिल्कुल, और एक्सपेक्टेड है ना, एग्जैक्टली यही होता है। आपको मैं बताऊं, आजकल जो अफगानिस्तान के कोच हैं, क्या नाम उनका, मेरे नाम से निकल रहा है अभी, हम ऑफर भी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, डिस्कस कर रहे थे। कौन, क्या ट्रॉट, जॉनथन ट्रॉट। उनका मशहूर ये था कि सीरीज़ छोड़ के आ गए थे। हाँ। उसके बाद डिप्रेशन, ही प्लेड द काउंटी क्रिकेट टिल 2019 और 20। और उनका ये कहना होता था कि मैं जब जाता था ना तो मैं लोगों से अलग बैठ जाता था, टोपी मेरे सर के ऊपर होती थी और मैं क्लॉक को देख रहा होता था कि कब ये टाइम ख़त्म होगा, या तो ये टाइम रुक जाए या चला जाए। दिस इज़ डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड, दिस इज़ मेंटल हेल्थ, द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। आप टूर्स पे जाते हैं, आप आइसोलेशन में काम करते हैं, आपके फ़र्ज़ करें वहाँ पे मेंटर्स ना हुए या दोस्त ना हुए या आपकी कॉमराडरी ना हो, तो वो चीज़ आपके लिए जहन्नम बन जाती है। जिस तरह एक टॉक्सिक वर्क प्लेस होता है ना, इस तरह किस्म का एक टॉक्सिक डायनामिक किस्म का एक एपी सेंटर उनके लिए होता है। एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि दे आर फार फ्राम होम, दे कैन नॉट बी कॉलिंग एवरीबडी एवरी डे टू डिस्कस थिंग्स, टू वेंटिलेट, और वहाँ पे अंदर वो बात नहीं कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दे काइंड ऑफ वेदर अवे, जो कि हुआ ट्रस्कॉथिक। ऑल ऑफ अ सडन ही वाज डूइंग सो वेल बिफोर दैट, बिफोर ही कॉल्ड इन रिटायरमेंट। उनका एक सरप्राइज था, जॉनथन ट्रॉट का भी, फ्लिंट ऑफ का भी। तो ही वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये चीज़ें आप यू डोंट नो, डू नॉट टेक इट इनटू अकाउंट। जो एक बच्चा, एक लड़का 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने टूर्स पर रहता है, वो होटल्स, अकेले होटल्स जिसमें उनके पास बोलने को नहीं होता, उनके पास अपने पसंद का खाना नहीं होता, पसंद की एक्टिविटीज़ नहीं होती, सोशलाइजेशन नहीं होती, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्योंकि घर तो उनके होते नहीं है ना, मतलब दे आर ऑन द मूव ऑल द टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये चीज़ें कंसिडर करने की हैं कि जो कि हम कंसिडर करते ही नहीं हैं। बिल्कुल, जिस तरह रोनाल्डो का लॉस ऑफ फॉर्म में लोग बात ये नहीं करते, मतलब लॉस्ट अ चाइल्ड, दैट ठीक है, इंजर्ड नहीं था, फिजिकली फिट था, लेकिन मेंटली आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है? क्योंकि किसी ने किसी लेवल पे भी स्पोर्ट खेली हो ना, आप अपने गार्डन में भी अपने दोस्तों के साथ खेली हो, या आपने हाई लेवल स्पोर्ट खेली हो, इट्स ऑल हियर राइट। मतलब क्रिकेट तो इवन मोर सो देन अदर गेम्स दिमाग की गेम है राइट। प्रेशर आपको फील होता है या नहीं फील होता। मतलब मैं स्टुअर्ट ब्रॉड का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पॉडकास्ट पे भी रिसेंटली आया था, व्हेन ही रिटायर्ड, और उसने एक बात की थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करता था। मैं और मेरे दोस्त एक लीग खेल रहे थे फुटबॉल की, और उसमें थोड़ा सा क्राउड था, बकवासी एमेच्योर लीग थी, ऐसा नहीं को हमको अच्छे नहीं है कहीं से, लेकिन उसमें ना मैंने पहली दफ़ा क्राउड के साथ बहुत अरसे बाद, बचपन के बाद देखा था खेलते हुए। एंड प्लेयर्स कितने चेंज होते हैं, एक बंदा क्राउड से लिफ्ट हो जाता है, हाइपर हो जाता है, मेक्स मिस्टेक्स, एक होता है जो अपने शेल में चला जाता है, एक हो जाता है जो थ्राइव करता है, लव्स द क्राउड, लव्स द एटमोसफियर। मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड की जो पॉडकास्ट की मैं बात करता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड एक बात करता है कि यार मैं एक ठीक था क्रिकेटर, और फिर एक पॉइंट आया जब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल्स की तरफ आया। कहते हैं जिस सेकंड मैं प्रोफेशनल्स की तरफ आया ना, मेरी गेम यूँ गई ऊपर, बिकॉज उस इन्वायरमेंट में वो थ्राइव करता है, जहाँ लोग देख रहे हों, या जहाँ एक समथिंग ऑन द लाइन हो, कंपेरेटिव क्रिकेट हो रही हो या फुटबॉल या जो भी हो। पर्सनैलिटी टाइप्स भी आई एम श्योर इसमें ये भी बहुत मैटर करता होगा ना, कि बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंस इन एनी करियर। मैं आपको अभी पॉडकास्ट का मिसाल दे रहा था कि कोई गेस्ट आते हैं जो प्री पॉडकास्ट ब्लो माई माइंड, वाओ, फिर वो जो इधर आते हैं ऑब्वियसली एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में, छोटी सी बात है, एक छोटा सा कैमरा इधर DSLR लगा हुआ है, इट्स नॉट लाइक आप कोई अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इट मेक्स अ डिफरेंस, इट डज टू पीपल्स आउटपुट। एब्सोल्युटली। अब देखें, एक टूल है, यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपने सुना होगा MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इन्वेंटरी। अच्छा, उसके बेसिस पे आप पर्सनालिटीज़ को 16 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें 4 डोमेन्स देखते हैं। एक ये कि आप एनर्जी कहाँ से गेन करते हो, ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द से गेन करते हो, देन यू हैव एन एक्सट्रोवर्टेड प्रेफरेंस। इफ़ यू डू इट फ्रॉम इनसाइड योर सेल्फ, योर थाट प्रोसेस, यू हैव एन इंट्रोवर्टेड प्रेफरेंस, ठीक है। दूसरा उसका होता है कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो, या गोल आप किस तरह सेट करते हो। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, आपके अटेंशन टू डिटेल होते हैं। आप 10 साल की प्लानिंग करते हो या आप 5 दिन की प्लानिंग करते हो, तो 5 दिन की प्लानिंग होगी वो बहुत फोकस्ड होगी एक पॉइंट के ऊपर, जबकि 10 साल की प्लानिंग होगी इट वुड बी स्प्रेड आउट, लेकिन उसमें उसके निटी ग्रिटीज मिस होंगे. ठीक, फिर आप लोगों को किस तरीके से डील करते हो, जैसे मैं आपका सुपीरियर हूँ, एक लाइन मैनेजर हूँ और मैं आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ, तो फीडबैक किस किस्म का होगा. मैं कहूँगा यार शान, तुमने बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट किए हैं, मतलब पिछली 10 जो थी ये ज़बरदस्त, मुझे ये चीज़ें पसंद आई, लेकिन ये एक चीज़ जो थी ये मुझे पसंद नहीं आई, तो मतलब कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि क्या हुआ. तो आप ऑलरेडी इतना बूस्ट हो चुके होंगे और खुश होंगे कि यार इसको ये चीज़ें पसंद आई. दूसरा होगा यार शान मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसको चेंज करो, हाउ यू फील अबाउट इट. तो ये यहाँ ये प्रेफरेंस कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, प्लस आप किस तरीके से आगे जाके प्लान करते हो, क्या आपकी एक प्लानिंग है या आपने एक लूज एंड छोड़ दिया कि जो भी आउटकम हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त देखेंगे जी, उस वक्त देखेंगे, देखा जाएगा, अल्लाह मदद करेगा, उस किस्म की चीज़. या आपका ये है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है. तो ये चीज़ें पर्सनालिटी को दिखाती हैं. और इस जो आपने सिनेरियो बताया कि एक स्टेडियम में ऑडियंस के साथ, इट्स अबाउट एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड प्रेफरेंस, कि वो चीज़ आपको कितना एनर्जाइज करती है और वो चीज़ किस तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन करती है. एक इंट्रोवर्टेड पर्सन की एक 130 जो 1000 क्राउड में आपको खड़ा कर दो, दैट इज़ ड्रेनिंग फॉर द पर्सन. बिल्कुल, एक विराट कोहली जो होगा वो उठ जाएगा उस क्राउड. लेकिन आई थिंक कि यू कांट बी अ इलीट प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, हाँ, अनलेस कि आपको वो एनर्जी ड्रॉ करे, वरना कैसे करोगे. मतलब पैट कमिंग्स अगर उधर डर रहा हो तो वो तो नहीं जीता. तो वहाँ पे ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि हम MBTI इसलिए नहीं सीखते कि हमें आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता हो, हमें इसलिए सीखते हैं कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो पता हैं, लेकिन जो आपने दूसरे जो एरियाज़ हैं वो आपने स्ट्रेंथन करने हैं. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, लेकिन वो दोनों एस्पेक्ट जब आप वो करेंगे पूरी तरह होलिस्टिकली, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट सक्सेस, और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं वो आराम से आप पहुँच जाएंगे. पैट कमिंस ने क्या किया इस दफ़ा, वो उससे पहले जो उसका बयान था, मतलब दैट वाज सच एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क दे डिड. उन्होंने कहा कि हमने थ्राइव करना है, किसी भी तरीके से थ्राइव करना है. तो इतना बड़ा ऑडियंस होगा, हम चौका मारते हैं, ये शोर ख़त्म हो जाता है, साइलेंस हो जाता है. उन्होंने कहा हमने साइलेंस को स्ट्रेंथ बनानी है कि जितना साइलेंट होगा क्राउड, मतलब वी आर डूइंग दैट वेल. तो उन्होंने एक रिवर्स साइकोलॉजी खेल दी, बिल्कुल, दैट वेंट इनटू देयर फेवर. आई थिंक इन एनी स्पोर्ट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से ज़्यादा स्पेसिफिकली, साइकोलॉजिकल एनिमल्स, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स जिसे कहते हैं ना, मतलब ये लोग तो इन्हें इन्वेंट किए ना ये गेम, स्लेजिंग इन्हें, मतलब विराट कोहली सिस्टमैटिक स्लेजिंग, बिल्कुल. और विराट कोहली सिर्फ इसलिए बना था बिकॉज इज द फर्स्ट एवर पर्सन ऑफ एनी कंट्री, नॉट जस्ट इंडिया, टू स्टैंड अप टू द ऑस्ट्रेलियंस एंड एक्चुअली फाइट बैक. मतलब हमने तो पूरी जिंदगी यही देखा है, शेन वॉर्न तंग कर रहा है, ग्लेन मग्राथ तंग कर रहा है, ब्रेटली था, हम चुप. एक और बंदा भी था जो तंग करता था, बैट्समैन जावेद मियांदाद, हाँ, मतलब ही वाज अ स्लेजर, मतलब वो वापस करता था, वो वापस, और वो बॉलिंग की स्लेजिंग करता था, मतलब बॉलर्स को, खासकर इंडिया के रूम नंबर, वो जो बड़ी बहुत कहानियाँ हैं कि मतलब. तो ये आप अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का स्ट्रक्चर देखें, उनकी अकेडमीज कब आई, उनकी अकेडमीज उस वक्त से पहले हैं जब हम अकेडमीज का सोच भी नहीं सकते थे. तो उन्होंने एक कॉन्डुइट तैयार किया जिसमें से उन्होंने प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिया, पर उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता, तो इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए. उन्होंने मेंटोर्स रख लिए, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट रखे, उन्होंने ग्रूमर्स रखे. आपने जो बात की थी ना कि किस तरीके से आप बात करते हैं, ठीक है, फॉर मी डजंट मैटर कि आप उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें, लेकिन अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो यार आप उर्दू में उस एक्सेंट एक प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, आपके अल्फाज तो सही होना, और आप एक जेनेरिक बात ना करें, आप एक लेमैन की तरह बात ना करें, आप एक प्रोफेशनल की तरह बात करें जो कि डिटेलिंग में बिलीव करता हो. क्योंकि हमारे मसला ये है कि इट्स नॉट उर्दू एंड इंग्लिश, लेकिन द वर्ड्स दैट वी यूज़. अच्छा, इसमें मेरा, और मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा लास्ट के क्वेश्चन, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि एक लेवल है ना, मिसाल आपको देता हूँ, एक बिल्कुल ही लो लेवल है जहाँ पे आप पैगाम ही नहीं पहुँचा पा रहे, एक स्लाइडली बेहतर लेवल है जहाँ पे लेट्स से आई थिंक, एंड ऑफ कोर्स यू कैन फील फ्री टू डिसएग्री विद मी, लेकिन लिमिटेड क्रिकेटर होगा शायद, लेकिन मिसबाह-उल-हक बड़ा एक इंटेलिजेंट एनालिटिकल माइंड था. मेरी लास्ट 10-15 ईयर्स ऑफ वॉचिंग क्रिकेट में पाकिस्तान में देखिए वो बैट्समैन जैसा भी था, उसने चौक जितना भी किया, मैचेस हराए, वो एक अलग स्टोरी है। सवाल मैं अभी बात कर रहा हूँ एनालिटिकल माइंड की, और आपको मुझे एक लेमैन को टीवी पे समझाना कि यार बैठा कि यार देखो मैंने ये सोचा, ये करना था, ये ऐसे करना था, ये मेरा आउटकम था, ये मेरी विजन थी। इन रिलेटिवली मिसबा शायद इन सबसे बेहतर था, राइट। ये एक लेवल हो गया। उससे ऊपर लेवल हो गया धोनी, जो इतना ऊपर लेवल है कि यार धोनी कुछ भी क्रिकेट का कहना, आई बिलीव हिम ओवर एनीथिंग एल्स। एब्सोल्युटली। फिर उससे भी ऊपर लेवल है जो खान साहब हैं, जो ट्रांसेंड कर गए ना, वो तो अब मतलब क्रिकेट से भी आगे चार गुना चले गए हैं कि आप वो कहते हैं यार यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाना है तो बनता है, वो कहते हैं मैंने वजीर आजम बनना है तो बनते हैं। मतलब वो एक लेवल पे आगे हैं जहाँ अगर खान साहब आपको कुछ भी कहें तो लोग सुनते हैं। मतलब अभी एक ईजी पैसा की हेड ऑफ मार्केटिंग आई हुई थी, और वो जब रिसर्च कराते हैं ना टॉप ऑफ माइंड की कि कौन से स्टार्स, कौन से क्रिकेटर्स टॉप ऑफ माइंड हैं, तो उस क्वेश्चन में लिखते हैं एक्सक्लूडिंग इमरान खान क्योंकि वरना तो हर लिस्ट पे इमरान खान नंबर वन है, क्रिकेटर भी इमरान खान नंबर वन है, पॉलिटिशियन भी इमरान खान, सेलिब्रिटी भी इमरान खान। तो इस लेवल ऑफ फॉलोइंग पे आना, देखिए एक होते हैं मेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के होंगे इतने कितने, विराट कोहली के आई थिंक थर्ड मोस्ट है मेसी और रोनाल्डो के बाद। लेकिन खान साहब का इन्फ्लुएंस इज पीपल हैव डाइड फॉर खान साहब। देखें वो एक अलग इन्फ्लुएंस है। उनमें जो परख होती है ना, कि आप देखते हो किसी बॉलर को बॉल करता हुआ या आप बैट्समैन को बैट करता हुआ, और आप पकड़ लेते हो कि यार इसमें टैलेंट है। मतलब ये चीज़ें बहुत कम। सो ही वाज नॉट जस्ट अ कोच एंड अ मेंटर और अ लीडर, वो ही वाज अ टैलेंट हंटर एज वेल। तो जो के पिक करना आसान होता है उनके लिए, प्लस उनका ये था कि एक टीम बनानी है, टीम के साथ आना है, और वो पहले से उनके जहन में होता था कि मुझे ये प्लेयर्स दोगे तो ये चीज़ इट विल वर्क आउट, एंड दैट यूज्ड टू वर्क आउट इन मोस्ट केसेस। मतलब आप 92 से पहले आप 87 में जाते हैं, इंडिया को इंडिया में हराते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराते हैं, उससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो कौन सी सीरीज थी 1988 की, जो कि अंपायर्स की नज़र हो गई वेस्ट इंडीज़ में, नहीं तो हमने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा के आना था, और वो कोई मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था उस वक्त के इमरान खान जो थे। तो लेकिन उनके पीछे क्या था? ग्रूमिंग। उनके पीछे क्या थी? मेंटोरशिप। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड में ग्रूमिंग, मेंटोरिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारा कुछ। काउंटी क्रिकेट खेला बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हुए, बेस्ट उनको, मतलब ही गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेकिन ही देन यूटिलाइज्ड इट, और उन्होंने उस चीज़ को स्ट्रेंथ बना के वो चीज़ें एक्वायर की। तो ये चीज़ें, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इस तरह तो उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता या बताया जाता, या किसी भी जगह पे क्रिकेट में। ही इज़ द अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ लीडरशिप। एंड टू दैट पॉइंट, आपको ऐसा लगता है कि I'm going to put you on the spot here. If you were the chairman of the PCB, who would you have appointed as captain of Pakistan? If you could pick anyone who's currently playing cricket, and why? And just your opinion. आप जो आपको नजर आ रहा है। देखिए मुझे बहुत difference नजर नहीं आ रहा लोगों में, ठीक है? हो सकता है कि मतलब मैं जहाँ पे देख रहा हूँ मोहम्मद रिजवान, he is a player, he is a team player, और उनकी जो सेंसिबिलिटी है इट्स क्वाइट गुड, एंड ही हैज़ वर्क विद मुल्तान। तो लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि सिर्फ एक कैप्टन चुनने से मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। मेरा काम यहाँ पे आता है उससे ट्रेनिंग देना, उससे मेंटोरिंग देना, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, और सिर्फ उसकी नहीं पूरी टीम की, ताकि ये एक यूनिट बन के रहे। मतलब ये ना हो कि हम वो जैसे ही वहाँ जाएँ तो हम यहाँ से उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दें और गालियाँ उनको वहाँ से भी पिट रही हों। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आई एम द पर्सन, आई शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं उठ के कहता कि 2023 का फेलियर मेरे ज़िम्मे है, क्योंकि अगर एक आप टीम है ना, देन द फेलियर्स आर योर्स जस्ट एज मच एज द विन्स और सक्सेसेस। तो पहले तो आप ऐसे बंदे को पीसीबी का चेयरमैन बनाएं कि जो ओनरशिप है। अगर मैं होता तो सबसे पहला मेरा ये होता कि अगर हारेंगे इकट्ठे हारेंगे, जीतेंगे इकट्ठे जीतेंगे, इस बंदे को मैं अपॉइंट करता हूँ, लेकिन आई विल क्रिएट द स्ट्रक्चर्स अराउंड देम, ताकि 5 दिन में या 10 दिन में उसका फ़र्क ना पता चले, उसका 3 साल 4 साल 5 साल में फ़र्क, और मैं उस चीज़ को प्लान करता। तो जो कि unfortunately, it's lacking in how we do things. Chale, this was insightful and a lot of fun. Thank you, as always, for being on the podcast. Thank you, Jahan. Thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.